नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। असल में भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी आसान भाषा में कहें तो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को नए साल यानी 2024 में बड़ी सौगात मिलने वाली है। ये चेंज शेयर ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों के लिए खासा फायदेमंद रहेगा। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सेबी ने T+0 और इंस्टेंट सेटलमेंट लागू करने पर कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। इसे जब लागू किया जाएगा तो निवेशकों को बड़ा फायदा होगा। जब कोई निवेशक शेयर बेचेगा तो उसे उसी दिन या यूं कहें तो रियल टाइम पर अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे। इसके अलावा स्टॉक खरीदने पर सेम डे में शेयर डीमैट अकाउंट में भी ट्रांसफर हो जाएगा। सेबी ने इंस्टेंट सेटलमेंट पर 12 जनवरी तक सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं। कंसल्टेंट पेपर में सेबी ने और क्या क्या बातें कही हैं, ये भी विस्तार से जान लीजिए। सेबी ने कंसल्टेंट पेपर जारी करते हुए कहा कि आज के दौर में भरोसेमंद, लो कॉस्ट और तेजी के साथ ट्रांजैक्शंस ऐसे फीचर हैं जो रिटेल निवेशकों को बेहद आकर्षित करते हैं, यानी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे में शेयरों के खरीद फरोख्त को लेकर सेटलमेंट समय को घटाने और भारतीय सिक्योरिटी में डील करने पर ऑपरेशनल दक्षता यानी ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाने से निवेशकों को इस एसेट क्लास की ओर और आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इक्विटी कैश सेगमेंट में मौजूदा T+1 सेटलमेंट साइकिल के अलावा छोटी सेगमेंट साइकिल को शुरू किए जाने का भी ऑप्शन रखा गया है। अब सेबी कैसे इन नियम को लागू करेगी ये भी जान लीजिए। सेबी इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी, यानी फेज वाइज मैनर में इसको लागू किया जाएगा। पहले फेज में T+0 सेटलमेंट साइकिल को दिन के 1:30 बजे तक के ट्रेड के लिए शुरू किया जा सकता है। इसके बाद फंड्स और शेयर्स के सेटलमेंट की प्रक्रिया को शाम 4:30 बजे तक पूरा कर लेना होगा। वहीं दूसरे फेज में वैकल्पिक इंस्टेंट सेटलमेंट का विकल्प मौजूद होगा, जिसमें फंड्स के साथ सिक्योरिटीज दोनों की ट्रेड टू ट्रेड सेटलमेंट की जाएगी। इस विकल्प में ट्रेडिंग 3:30 बजे तक की जा सकेगी। दूसरे फेज के लागू होने के बाद पहले फेज के T+0 के ऑप्शन को बंद कर दिया जाएगा। T+0 सेटलमेंट में कौन कौन सी कंपनियों के शेयर्स का सेटलमेंट होगा ये भी जान लीजिए। T+0 सेटलमेंट के साथ शुरुआत में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से 500 टॉप कंपनियों के शेयरों को सेटलमेंट के लिए शामिल किया जाएगा। इसके बाद के सेटलमेंट साइकिल में 3 चरणों में सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनियों को भी शामिल कर लेना है। बता दें मौजूदा समय में T+1 सेटलमेंट का प्रावधान है। आज से 20 से 22 साल पहले T+5 सेटलमेंट का नियम था। सेबी ने साल 2002 में T+3 सेटलमेंट को लागू किया था, फिर 2003 में T+2 सेटलमेंट को लागू कर दिया गया। अगले 19 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। जब डिजिटलाइजेशन का फायदा मिला तो फिर साल 2021 में T+1 सेटलमेंट को लाया गया। जनवरी 2023 से इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। अब साल 2024 में T+0 और फिर अगले साल यानी 2025 में इंस्टेंट सेटलमेंट प्लान को लागू करने की योजना है। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।